अरे दोस्तों, अपने गैजेट, अपने कंप्यूटर को भूल जाओ। कैची, गोंद और कागज लेकर तैयार हो जाओ, क्योंकि कागज का करिश्मा शुरू हो रहा है। कागज के साथी, कागजी दोस्त। एक सुंदर कागज की दुनिया में अरस्तु नाम का बारासिंगा और टुक टुक नाम का एक कठफोड़वा रहते थे। दुनिया का दूसरा कोना। आज भी रोज की तरह ही एक और दिन था, पर आज दोस्तों के घर आने वाला था एक खास मेहमान, जिसका ये दोनों इंतजार कर रहे थे। आरी, आज मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि आज दूर काले कागजी शहर से हमारा दोस्त मुंबई यहाँ आ रहा है। उसी का तो मैं भी इंतजार कर रहा हूँ टुक टुक। हमें आने वाले मेहमान का बढ़िया से स्वागत करना होगा, यही तो हमारी रीत है। दोनों दोस्त इसलिए भी खुश थे क्योंकि मुंबई काले कागजी शहर से था, जो कि काफी दूर, कह सकते हैं दुनिया का दूसरा कोना है। हेलो मुंबा, आओ आओ हमारे कागजी घर में, तुम्हारा स्वागत है मेरे दोस्त। अरस्तु और टुक टुक ने अपनी तरफ से मुंबा के लिए बेहतरीन जलपान मंगवा लिया था, पर दूर काले कागजी शहर से आए दोस्त को उनमें से कुछ भी पसंद नहीं आया। मुझे तो लगता है आरी, हम लोग अच्छे मेजबान नहीं हैं। हमारे दोस्त मुंबा को तो शायद कुछ भी पसंद नहीं आ रहा, अब क्या करें? मुंबा ने अपने दोस्तों से कहा कि वो फिक्र ना करें, सारा इंतजाम बढ़िया है, पर साथ ही ये भी कहा कि उसके काले कागजी शहर में खाने की कई कमाल की चीजें हैं, और इसे साबित करने के लिए उसने उन्हें कुछ केले चखने को दिए। अब समस्या ये है टुक टुक कि मैं कागजी हिरन फलों को चखने में बहुत होशियार नहीं हूँ, पर मैं इतना कह सकता हूँ कि इसमें कोई कमी जरूर है। वैसे कागजी कठफोड़वे भी इसे चखने में माहिर नहीं है, शायद तुम सही हो आरी। अब चूंकि मुंबा इतना लंबा सफर करके आया था, तो इन केलों की ताजगी थोड़ी कम हो गई थी, और इस वजह से मुंबा भी परेशान था। इसे लाना भी आसान नहीं था आरी, हमारे कागजी जंगल में केले नहीं उगते हैं ना? तुमने सही कहा टुक टुक, ये सिर्फ काले कागजी शहर में ही उगते हैं, और अगर दोबारा हमने इसे वहाँ से लाने की कोशिश की तो फिर खराब हो जाएंगे। मुंबा ने उन्हें बताया कि सबसे ताजा वही कागजी केला होता है जिसे पेड़ से तोड़ा जाए और फौरन खा लिया जाए, पर बदकिस्मती से पूरे कागजी जंगल में एक भी केले का पेड़ नहीं था। कमाल का कागजी ख्याल आया है, अब मैं चाहता हूँ तुम सोने चले जाओ, और फिर कल सुबह मैं तुम्हें इस समस्या का हल बताऊंगा, ठीक है? मुंबा और टुक टुक ने अरस्तु की बात मान ली। वैसे भी काफी देर हो गई थी और अब तक तो सारे जानवर सो जाते हैं। सुबह सुबह टुक टुक और मुंबा उठे और घर से बाहर आ गए। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, हम कागजी जंगल में सोए और यहाँ काले कागजी शहर में कैसे उठे? तुम गलत हो टुक टुक। सुनो, ये कागज की तरह आसान है। तुम लोग जब सो रहे थे तो मैंने अपने काले कागजी शहर के एक दोस्त को फोन लगाया और कहा कि वो केले के पेड़ लगाए, लेकिन सीधा नहीं जैसे उनके शहर में होता है, बल्कि उल्टा। हाँ, मैं समझ गया, क्योंकि वो जगह हमारे जगह से बिल्कुल उल्टा है, तो जब उसने वहाँ उल्टा पेड़ लगाया वो हमारे यहाँ बिल्कुल सीधा उठ के आ गया। कमाल का कागजी ख्याल। बिल्कुल सही कहा टुक टुक। हुर्रे, ये तो कमाल हो गया कागजी दोस्त। एक भूरा कागज लें और उसे नीचे से ऐसे काटें, फिर एक हरा कागज लें और उसे ऐसे मोड़ें, फिर पत्तों के आकार में उसे काटें। अब इन पत्तों को भूरे कागज के ऊपरी हिस्से में चिपका दें,
फिर गोंद लगा के एक पेंसिल लेके उसे रोल करें। हो गया पेड़ तैयार। कई बार अच्छी सूझबूझ और संसाधन से आप वो काम करने में भी कामयाब हो जाते हैं जो कि शुरुआत में बहुत ही मुश्किल लगता है, लेकिन इसके लिए कागजी सोच बहुत जरूरी है। कागज का करिश्मा में फिर मिलेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, अपने गैजेट, अपने कंप्यूटर को भूल जाओ। कैची, गोंद और कागज लेकर तैयार हो जाओ, क्योंकि कागज का करिश्मा शुरू हो रहा है। कागज के साथी, कागजी दोस्त। एक सुंदर कागज की दुनिया में अरस्तु नाम का बारासिंगा और टुक टुक नाम का एक कठफोड़वा रहते थे। हवा और पानी के बीच। गर्मी के दिनों में एक सुबह दोनों दोस्त टुक टुक के दादाजी से मिलने निकले थे। उस दिन दादाजी का जन्मदिन था और टुक टुक अपने दादाजी से बहुत प्यार करता है। टुक टुक, मुझे लगता है हमें सफर के लिए नक्शे की जरूरत है। वो तो है मेरे पास। पोस्ट कार्ड, सैंडविच, हारी, कैंची और गोंद, ताकि हम रहें कागजी सुरक्षित। हाँ। दादाजी के लिए उपहार। दादाजी के लिए उपहार तो सबसे जरूरी चीज है। तुम्हारे दादाजी कागज के कारखाने के पास रहते हैं, तो हम वहाँ पहुँच जाएंगे दोपहर के भोजन के समय। अरस्तु ने रस्सी काटी और वायुयान तेज गति से उड़ चला कागजी शहर के ऊपर। सफर बहुत ही कागजी मजेदार चल रहा था। ये मौसम सफर के लिए बिल्कुल सही है टुक टुक। हल्की हवा है, धूप है, पक्षियों के साथ। यहाँ तो पक्षियों के साथ और भी बहुत कुछ है रे। टुक टुक, ये तो बवंडर है। टुक टुक, फिशिंग रॉड को छोड़ दो, वरना हमारा एक्सीडेंट हो सकता है। लेकिन ये तो दादाजी का उपहार है, मैं इसे कैसे छोड़ू आई? उपहार खोना अच्छा होगा इससे पहले कि दादाजी अपने पोते को ही खो दे। टुक टुक, टुक टुक, अपनी चोंच ऊपर रखो, हम जिंदा हैं यही बहुत है। अभी भी हम समय पर पहुंच जाएंगे। मेरे अनुमान से पेपर का कारखाना दिखने ही वाला है। 3, 2, 1। अरे, यहाँ तो कोई कारखाना नहीं है। अजीब बात है। और दादाजी भी नहीं दिख रहे हैं। मुझे लगता है हम लोग गलत रास्ते पे जा रहे हैं। अरे, ये तो कागजी सही नहीं है, हमें तुरंत नीचे उतरना चाहिए। टुक टुक सही था। बवंडर वायुयान को अलग दिशा में ले गया, ठंडे समंदर में। अब हम क्या करेंगे आरी? अब तो हम पक्का दादाजी को जन्मदिन की बधाइयां नहीं दे पाएंगे। निराश मत हो टुक टुक, हवा की दिशा बदल सकती है। अगर गलत दिशा में बदल गई तो? अगर हम ठंडे समंदर में और दूर चले गए तो क्या होगा? मुझे तो डर लग रहा है। अभी अच्छे से कागजी सोच की जरूरत है। टुक टुक, एक तरीका है। हम कागजी प्याले से एक चरखी बनाएंगे जो उसी दिशा में घूमेगी जिधर हवा चलेगी, और उससे हमें दिशा का पता चल जाएगा और हम आसानी से पहुंच जाएंगे। वाह, क्या जबरदस्त कागजी सुझाव है। अब हम दादाजी के जन्मदिन के लिए समय पर पहुंच जाएंगे। कागजी दोस्तों, कागजी चरखी बनाने के लिए हमें चाहिए एक कागजी प्याला, एक डंडा और लाल कागज। अब चिपकाने वाले टेप को डंडे पर दो जगह लगाएं, फिर लाल कागज के लंबे टुकड़े काट लें और प्याले पर चिपका दें। फिर प्याले का निचला हिस्सा काटें और प्याले को डंडे में इस तरह से फंसा दें ताकि वो आसानी से घूम सके। क्यों, है ना शानदार?
जल्द ही प्याला सही दिशा में घूमा, जिसका मतलब था हवा सही दिशा में बहने लगी। अब समय था सफर पर निकलने का। दोनों दोस्त टुक टुक के दादाजी के घर पहुंच गए बिना खतरे के। दादाजी अपने चहेते पोते को देखकर बहुत खुश हुए और टुक टुक भी बहुत खुश था क्योंकि वो समय पर पहुंच गया था। लेकिन एक बात उसे परेशान कर रही थी। दादाजी, मैंने आपके लिए कमाल का उपहार बनाया था, लेकिन वो मेरे पास है टुक टुक। लो, अपने दादाजी को अपना बनाया हुआ जन्मदिन का उपहार दे दो। जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया। दादाजी को उपहार बहुत पसंद आया और वो अपने पोते से मिलकर बहुत खुश हुए। और इस तरह कागजी मस्ती के साथ एक और कहानी का अंत हुआ। कागज का करिश्मा में फिर मिलेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, अपने गैजेट, अपने कंप्यूटर को भूल जाओ। कैंची, गोंद और कागज लेकर तैयार हो जाओ, क्योंकि कागज का करिश्मा शुरू हो रहा है। कागज के साथी, कागजी दोस्त। एक सुंदर कागज की दुनिया में अरस्तु नाम का बारासिंगा और टुक टुक नाम का एक कठफोड़वा रहते थे। कागजी सुरक्षा के लिए। एक समय की बात है, अरस्तु ने बहुत दिलचस्प कागजी किताब पढ़ी। पता है टुक टुक, मुझे ये किताब इतनी अच्छी लगी कि मैं भी कुछ ऐसा ही करना चाहता हूँ। सच में आरी, आखिर क्या लिखा है इस किताब में जिसकी तुम इतनी तारीफ कर रहे हो? पता है, इस किताब का नाम है 80 दिन में दुनिया का सफर। मैंने कभी इसके बारे में नहीं सुना आरी। फिर अरस्तु ने टुक टुक को बताया कि ये एक बहादुरी की कहानी है, उन यात्रियों की जिन्होंने 80 दिनों में पूरी धरती का सफर किया था। तो मेरे दोस्त, तुम और मैं कागजी जंगल का सफर शुरू करेंगे और पूरा करेंगे सिर्फ एक दिन में, ठीक है? अरे, लेकिन ये तो नामुमकिन है। हम इतना लंबा सफर इतने कम समय में नहीं कर सकते हैं। बहुत मुश्किल है। तुम बिल्कुल गलत हो मेरे दोस्त। सफर के लिए बस अच्छी तैयारी की जरूरत होती है, जो हम करेंगे। मुझे तो फिर भी ये नामुमकिन लगता है। तो टुक टुक, मेरे हिसाब से तुम्हारी परेशानी का अंत कोशिश करके ही होगा। चलो कागजी जंगल का सफर शुरू करते हैं और वापस घर पर मिलेंगे शाम की चाय पर। क्यों, क्या कहते हो? टुक टुक पूरी सुबह सफर की तैयारी कर रहा था। मुझे लगता है आरी, तुम सफर के लिए कुछ खास तैयारी नहीं कर रहे हो। मैं तो कब से तैयार हूँ टुक टुक। मुझे पक्का पता है कि इस सफर के लिए हमें सिर्फ इस छाते की जरूरत है, बस। छाते की? और तुम इसे कहते हो सफर के लिए अच्छी तैयारी? बिल्कुल टुक टुक, मेरे लिए तो यही है सफर के लिए अच्छी तैयारी, यानी कि कागजी तैयारी, समझे? कागजी दोस्त। कागजी छाता कैसे बनाएं? एक कागज को गोल आकार में काटें और उसके केंद्र को चिन्हित कर दें और उसे दो हिस्सों में मोड़ लें। एक बार फिर मोड़ें और एक बार फिर, ताकि उस पर सिलवटें बनती रहें। बस अब कागज को फैला दें, जिससे सिलवटें कुछ ऊपर की तरफ और कुछ अंदर की तरफ बन जाएं। अब एक लकड़ी लें और छाते के केंद्र में उसे फंसा लें, वहाँ गोंद लगा दें। आपका छाता तैयार हो गया। अब दोनों दोस्त निकल पड़े सफर पर। आखिरकार अरस्तु का छाता काम ही आया, जब बारिश से बचने के लिए दोनों दोस्तों ने उसके नीचे पनाह ली। लगता है हमारा सफर समुद्री यात्रा बनने वाला है ना? सही कहा आरी, पानी तो ऊपर चढ़ता ही जा रहा है। मेरे दोस्त, तुम भी मेरे इस कागजी नाव में आ जाओ और कागजी जंगल की खूबसूरती को निहारो।
अचानक तेज हवाएं चलने लगी। आड़ी, ऐसी हवा में हम छाता को नाव बनाकर नहीं ठहरा सकते। टुकटुक और अरस्तू अभी तक घर से काफी दूर आ गए थे और उन्हें कागजी सोचना था घर आने के लिए। टुकटुक, एक कागजी सुझाव आया है मेरे दिमाग में, जो हमारी रुकावट बना है वही हमें आगे ले जाएगा और जल्दी हम अपने घर पहुंच जाएंगे। अब हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। टुकटुक, बहुत ही कागजी दिन रहा आज आरी। हमने पूरे कागजी जंगल का सफर पूरा किया है ना, और सही समय पर वापस भी पहुंच गए शाम की चाय पर। तुम्हें इस चमत्कारी छाता के बारे में इस किताब से पता चला होगा ना। टुकटुक के इस सवाल के जवाब में अरस्तू के पास सिर्फ उसकी खामोश मुस्कुराहट थी, क्योंकि उसे मालूम था कि कागजी किताबों से ली गई हर जानकारी को असलियत में इस्तेमाल करने के लिए चाहिए कागजी सूझबूझ और थोड़ी सी कागजी चतुराई भी। करिश्मा में फिर मिलेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, अपने गैजेट, अपने कंप्यूटर को भूल जाओ, कैची गोंद और कागज लेकर तैयार हो जाओ, क्योंकि कागज का करिश्मा शुरू हो रहा है। कागज के साथ ही कागजी दोस्त। एक सुंदर कागज की दुनिया में अरस्तू नाम का बारासिंगा और टुकटुक नाम का एक कठफोड़वा रहते थे। चोर की तलाश। एक बार दोनों दोस्तों को मिली मशहूर शहर कागजपुर से एक चिट्ठी। वो चिट्ठी थी उनके एक पुराने दोस्त लाफ्रॉग की। उसने अरस्तू और टुकटुक को अपने यहाँ बुलाया था एक रहस्य को सुलझाने के लिए। टुकटुक, काफी दिनों बाद हमारे दोस्त लाफ्रॉग की चिट्ठी मिली है हमें। अच्छा रे, तो क्या लिखा है उसने? टुकटुक, ये किसी अजीब सी घटना के बारे में है। हमारे दोस्त ने लिखा है कि पनीर का गोदाम रहस्यमय तरीके से कागजपुर शहर से गायब होता जा रहा है। वहाँ के लोग बहुत दुखी हैं, क्योंकि उन्हें पनीर बहुत पसंद है। ये तो बहुत गंभीर मामला है आरी, और हमारे दोस्त लाफ्रॉग का इसके बारे में क्या कहना है? उसने हमें कागजपुर बुलाया है। उसने लिखा है कि सिर्फ हम ही ऐसे हैं जो इस उलझन और कागजी रहस्य को सुलझा सकते हैं। उसे हम पर बहुत विश्वास है। टुक टुक, चलो चलते हैं कागजपुर अभी के अभी। चलो चले कागजीपुर जोखिम भरे काम के लिए। तो दोनों दोस्त निकल पड़े सफर पर अपने पुराने दोस्त लाफ्रॉग और कागजपुर के लोगों की मदद करने के लिए। श्रीमान लाफ्रॉग ने बताया कि कागजपुर वासियों ने बाकी के बचे पनीर के गोदाम को छुपा दिया है उस चालाक चोर से बचाने के लिए। क्या कागजी तरीका है ना, सारा पनीर एक जगह इकट्ठा करने का। ये बिल्कुल सही जाल है उस चोर के लिए। शाबाश, अब तो उस बदमाश को हम पक्का पकड़ लेंगे। सही है ना आरी? शायद सही है मेरे दोस्त, लगता तो है कि पकड़ लेंगे। दोनों दोस्त चकित रह गए जब उन्हें गोदाम खाली मिला। अलमारी पर पनीर का एक टुकड़ा भी नहीं बचा था। अजीब बात है आरी, ताला भी नहीं टूटा लेकिन गोदाम किसी ढोल की तरह खाली हो गया। ये तो सच में कागजी मामला है। हमें विस्तार से तहकीकात करनी होगी, शायद चोर ने कोई सुराग छोड़ा हो। ढूंढते हैं। शाबाश लाफ्रॉग, तुमने वो सुरंग ढूंढ निकाली जिससे वो चोर पनीर चुरा के ले जाता है। ये कोई सामान्य सुरंग नहीं है दोस्तों, ये है बिल का छुछुंदर। मेरा मतलब छुछुंदर का बिल। इतना ज्यादा उलझाओ मत आरी, छुछुंदर पनीर नहीं खाते, ये सभी जानते हैं। चूहे खाते हैं पनीर। शायद ये कोई खास छुछुंदर हो। अब मेरे ख्याल से हमें उसे हर हाल में पकड़ना होगा। बात तो तुम सही कह रहे हो आरी, लेकिन हम उसे ढूंढेंगे कैसे?
ये बिल तो बहुत छोटा है और अंदर बहुत अंधेरा है। ओ तो हमें यहीं बैठकर उसके आने का इंतजार करना चाहिए। उसकी जरूरत नहीं है, मुझे पता है उसे कैसे फंसाना है। हम कागजी पनीर का इस्तेमाल करेंगे उसे फंसाने के लिए। हुर्रे! लेकिन हमारे पास पनीर कहाँ है? कोई बात नहीं दोस्त, हम पनीर खुद बना सकते हैं। हुर्रे! कमाल की कागजी सोच है। तो चलो बनाते हैं पनीर। कागजी दोस्त। पनीर बनाने के लिए हमें चाहिए गोंद और पीले रंग का कागज। कागज से एक लंबी पट्टी काट लें और उसे ऐसे मोड़ दें। अब इस त्रिकोण को गोंद से चिपका दें, कुछ इस तरीके से। फिर अलग अलग लंबाई और चौड़ाई के टुकड़े काटें और पेंसिल की मदद से उसके गोलाकार बना लें। अब उन्हें चिपका लें, फिर उनको त्रिकोण के अंदर चिपका दें, बिल्कुल इस तरह। लीजिए, हो गया आपका छेद वाला पनीर तैयार। कैसे हो दोस्त? अरे ये तो चूहा है या फिर चुचुंदर है? नहीं नहीं, ये तो चूहा ही है। नहीं नहीं, चुचुंदर है। अरे ये है क्या? टुक टुक, ये ना चुचुंदर है और ना ही चूहा है, ये है चुचुंदर चूहा। कमाल का नमूना है। तो इस तरह पता चल गया कि कागजपुर में पनीर कौन साफ कर रहा था। दोस्त लाफ्रॉग, अगर तुम्हें कोई एतराज ना हो तो हम चुचुंदर चूहे को कागजी जंगल ले जाएं क्या? ले जाने दो ना, क्योंकि वहाँ इतनी जगह है कि ये अपने लिए आराम से लंबी और गहरी सुरंग बना सकता है। और इसे खुश रखने के लिए मैं और टुक टुक इसे कभी कभी पनीर भी दे दिया करेंगे, जो हम खुद बनाएंगे। दोनों दोस्तों ने लाफ्रॉग को अलविदा कहा और घर के लिए निकल पड़े। और इस तरह ये कागजी कहानी भी खत्म हुई। कागजपुर में पनीर गायब होना बंद हो गया और टुक टुक अरस्तु को मिला एक नया निराला दोस्त। कागज का करिश्मा में फिर मिलेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, अपने गैजेट, अपने कंप्यूटर को भूल जाओ। कैंची, गोंद और कागज लेकर तैयार हो जाओ, क्योंकि कागज का करिश्मा शुरू हो रहा है। कागज के साथी, कागजी दोस्त। एक सुंदर कागज की दुनिया में अरस्तु नाम का बारासिंगा और टुक टुक नाम का एक कठफोड़वा रहते थे। कुकुरमुत्ते और जूते में अंतर। गर्मी के मौसम में एक दिन कागजी जंगल में हुई भारी बारिश के बाद दोनों दोस्त ताजा हवा खाने बाहर निकले। अरे अच्छी बारिश हुई, ये बिल्कुल सही समय है, हमें ढेर सारे कुकुरमुत्ते मिलेंगे, है ना? सही कहा तुमने मेरे दोस्त। गर्मी के मौसम में हुई बारिश को कुकुरमुत्ते की बारिश ऐसे ही नहीं कहते, क्योंकि ऐसे मौसम में जंगल कुकुरमुत्ते से भर जाता है, जैसे अभी भर गया है। दोनों दोस्त कुकुरमुत्ते इकट्ठा करने में मगन हो गए कि उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया कि उनके सामने क्या आ गया था। अजीब है नारी, कल ही मैं इस तरफ से उड़कर गया था और मुझे इस पेड़ पर पत्तों के अलावा कुछ नहीं दिखा, पर आज तो यहाँ जूते लटके हुए हैं। ये तो कमाल की बात है, पहली बार मैं पेड़ पर जूते फलते हुए देख रहा हूँ। बात तो सही थी, आम तौर पर कागजी जंगल के पेड़ों पर सेब या बाकी फल फलते थे, लेकिन कभी जूते नहीं फले। हाँ टुक टुक, जानते हो हर चीज का कारण होता है। याद है कुछ दिन पहले ही कागजी जंगल में क्या हुआ था? कुकुरमुत्ते की बारिश हुई थी और क्या हुआ था, लेकिन उस बारिश से इसका क्या लेना देना? आ रही लेना देना है, क्योंकि वो कुकुरमुत्ते की बारिश नहीं बल्कि जूतों की बारिश हुई थी। जूतों की बारिश? कमाल है आरी, मैंने ये अनुमान क्यों नहीं लगाया। इसीलिए कुकुरमुत्ते नहीं निकले जंगल में बल्कि जूते निकले हैं। बहुत कागजी मामला है। टुक टुक, हमें इस अनोखी घटना की तस्वीर निकालनी चाहिए, क्या कहते हो? बिल्कुल, नहीं तो कोई भी हम पर यकीन नहीं करेगा। और दोनों दोस्त घर निकल पड़े कैमरा लेने। हाँ टुक टुक, हम एक मिनट भी नहीं गवा सकते, ये इतनी खास घटना है कि हमें इसकी तस्वीर जरूर लेनी चाहिए, चलो जल्दी करें। अरे ये क्या हुआ टुक टुक,
अभी तो इन डालों पर बहुत सारे जूते लटक रहे थे, लेकिन अब कहाँ गायब हो गए? कुछ समझ में नहीं आ रहा। आरी, मुझे लगता है किसी और ने उन्हें तोड़ लिया होगा। अरे आरी, ये तो कागजी चूक हो गई हमसे। आरी, लगता है मुझे जूतों के गायब होने का कारण पता चल गया। इसका कारण है ये कनखजूरा। कागजी दोस्त। सबसे पहले कागज के 6 टुकड़े काट लें, फिर उनका छल्ला बनाकर एक साथ चिपका दें, फिर उन पर रंगीन कागज चिपका दें। कागज का एक लंबा टुकड़ा काटकर छल्लों को उसके ऊपर लगा दें। अब आखिरी वाले छल्ले से उसे चिपका दें। पैरों के लिए कागज के छोटे छोटे टुकड़े काट लें और उन्हें इस तरीके से मोड़ लें। सर के लिए एक टुकड़े का छल्ला बनाकर उसे बाहर वाले छल्ले के समानांतर चिपका लें। उसके चेहरे के लिए आंख और मुस्कुराता हुआ चेहरा बना दें और सिंग लगा दें। लीजिए, बन गया आपका कनखजूरा। जी हाँ, सारे जूते कनखजूरे के पैरों में थे और वो उन्हें पहनकर खुशी खुशी घूम रहा था। दोस्त कनखजूरे, तुमने तो पेड़ से सारे जूते तोड़ लिए इसके पहले कि हम उनकी तस्वीर निकाल पाते। और अब हमें बहुत लंबा इंतजार करना होगा जब जूतों की अगली बारिश आएगी। कनखजूरे ने दोनों दोस्तों को बताया कि वो जूतों की बारिश नहीं थी बल्कि आम बारिश थी। वो बारिश में फंस गया था जिससे उसके पैर गीले हो गए थे और उसने अपने जूतों को सूखने के लिए लटकाया था। अब हम क्या करेंगे आरी? मेरे ख्याल से अब हमें कुकुरमुत्ते ही तोड़ने चाहिए। चलो वही करते हैं। सही कहा तुमने आरी, क्योंकि अभी तक तो जूतों की बारिश सही साबित नहीं हुई, लेकिन कुकुरमुत्ते की बारिश सच है। अरस्तु और टुक टुक ने कनखजूरे को कुकुरमुत्ते तोड़ने के लिए साथ चलने को कहा, क्योंकि वो 40 पैरों से आसानी से कुकुरमुत्ते को ढूंढ सकता था। तीनों दोस्तों ने मिलके इतने सारे कुकुरमुत्ते जमा किए कि उन्होंने उसका पकवान बनाने का फैसला किया और कुछ मेहमानों को भी बुला लिया, और इस तरह सब कुछ कागजी तरीके से निपट गया। हालांकि एक सवाल दोनों दोस्तों को सता रहा था कि आखिर कब सच में जूतों की बारिश होगी। कागज का करिश्मा में